डेवलपर टेक में आपका स्वागत है। मेरे पास एक व्हाट्सएप प्लस है, जीबी व्हाट्सएप, ये आप देख सकते हैं। मैं जीबी व्हाट्सएप की सारी चैट्स लेना चाहता हूँ, जितनी भी चैट्स हैं मैं इसका फीडबैक ले लेता हूँ, और मैं इसको माइग्रेट करना चाहता हूँ नॉर्मल व्हाट्सएप के ऊपर। इसके लिए मुझे सारी चैट्स चाहिए मेरी, तो ये कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको एक बात बता दूँ, व्हाट्सएप प्लस जो होता है उसकी चैट्स बैकअप का डेटा गूगल ड्राइव के ऊपर सिंस नहीं होता है। तो आप जो भी चैट्स हैं अगर आप उसको माइग्रेट करना चाहते हो तो कैसे करेंगे? तो ये हमारा जी बी व्हाट्सएप है, मैंने सब चैट्स बैकअप ले लिया और इसको मैं कर लेता हूँ अनइंस्टॉल। ठीक है, मैं इसे अनइंस्टॉल कर देता हूँ और मैं इसको नॉर्मल व्हाट्सएप पर माइग्रेट करना चाहता हूँ, तो कैसे करेंगे? व्हाट्सएप नॉर्मल व्हाट्सएप जो होता है उसका भी पैकेज नेम होता है। पैकेज नेम आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बताया कि ये सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लें, ये पैकेज को आइडेंटिफाई करता है कि पैकेज नेम क्या है। तो जो नॉर्मल व्हाट्सएप होता है उसका पैकेज नेम क्या होता है? कॉम डॉट व्हाट्सएप। ठीक है, और बिजनेस व्हाट्सएप का पैकेज नेम क्या होता है? बिजनेस कॉम व्हाट्सएप डब्ल्यू फोर डब्ल्यू। कॉम व्हाट्सएप डब्ल्यू फोर डब्ल्यू भी हमने जिसका चैट बैकअप लिया है वो कौन सा व्हाट्सएप है? हमारा जी बी व्हाट्सएप। ठीक है, तो जी बी व्हाट्सएप का पैकेज नेम क्या होता है? कॉम डॉट पैकेज नेम होगा। तो हमने बैकअप ले लिया है, हम ये बैकअप जो है उसको इसमें डालना चाहते हैं व्हाट्सएप कॉम डॉट व्हाट्सएप। तो हमने इसको डाउनलोड कर लिया प्ले स्टोर से। इंस्टॉल हो रहा है व्हाट्सएप ओरिजिनल। हम व्हाट्सएप प्लस को नॉर्मल व्हाट्सएप में माइग्रेट कर रहे हैं। कैसे मैं बताता हूँ, बताऊँ चैट बैकअप लॉस की हम कैसे ट्रांसफ़र करेंगे सारे डेटा को। ये व्हाट्सएप मैसेंजर आ गया।